बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अतीकुर रहमान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट नंबर 6, दैट इज़ द रिवार्ड बाय लॉर्ड डनसनी। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी के माबेन डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, एक क्यूट है, डिटर्मिनेशन इज़ द वेकअप कॉल टू ह्यूमन विल। मकसद और मजबूत कुव्वत इरादी किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए तैयार कर सकती है। एंड विक्ट्री इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूज़ टू स्टॉप फाइटिंग। जो फाइट करने के रुकने से रिफ्यूज़ कर देता है, यानी वो इंसान जो हार नहीं मानता, उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल हो जाती है। चाहे बड़े से बड़ा ओहदा हो, चाहे बड़े से बड़ा लेवल हो, इंसान अचीव कर लेता है, लेकिन तब जब इंसान का डिटर्मिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह की एक कहानी, आज हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, द रिवार्ड। रिवार्ड का लफ्जी मतलब होता है इनाम, यानी कि किस तरह एक शख्स अपने एक लेवल के लिए, अपने एक जो उसने प्लान किया होता है, स्केच आउट किया होता है, उसके लिए वो मेहनत करता है और लाइफ के अंदर किस तरह से उसको अचीव करता है। मेन कैरेक्टर्स इस लेसन के अंदर जो डिस्कस किए गए हैं, उनमें फर्स्ट कैरेक्टर है टर्बर्ट, सेकंड कैरेक्टर है जॉर्किंस और थर्ड है गॉर्जियस। और ये हाईलाइटेड कैरेक्टर है, यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके गर्द पूरी स्टोरी जो है वो मूव करती है। एक अब मूव करते हैं स्टोरी की तरफ। टर्बर्ट एक क्लब के अंदर बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ और बातचीत चल रही है कामयाबी के बारे में, कि इंसान जो है वो सक्सेस कैसे जो है वो गेन कर सकता है। तो टर्बर्ट की राय थी, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि अगर इंसान को मौका मिले ज़िंदगी के अंदर तो इंसान किसी ना किसी तरह से कामयाब हो जाता है। और इसकी उसकी आर्गू भी कर रहा था कि देखें, अगर एक इंसान के पास टैलेंट है, उसके पास सारा कुछ है, अगर उसको मौका ही नहीं मिलता आगे आने का, मौका ही नहीं मिलता कामयाब होने का, तो वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अभी ये आर्गू दे ही रहा था अपने फ्रेंड्स को, इसी दौरान एक और बंदा वहाँ पर इन होता है क्लब के अंदर, एंड हिज नेम वॉज जॉर्किंस। और आते ही वो आर्गू करता है कि ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, सब लेवल अचीव कर सकते हैं इंसान, ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो। अब डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है इन दोनों के माबेन, जॉर्किंस और टर्बर्ट के माबेन। तो टर्बर्ट साथ ही पूछता है कि एनीथिंग, क्या कुछ भी? जॉर्किंस बोलता है यस, एनीथिंग, कुछ भी इंसान अचीव कर सकता है। हाँ, उसके पीछे ये है कि इंसान कितनी देर तक और कितनी मेहनत के साथ अपने उस मकसद पर कायम रहता है, देन एनीथिंग व्हाटएवर, फिर इंसान जो भी चाहेगा हासिल कर सकता है। फिर टर्बर्ट अर्गू करता है कि देखो, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है जिसमें इंसान दौड़ता है, चलते चलते इंसान थक जाता है, बैठ जाता है, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, या किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेनी शुरू कर देता है। यानी ज़िंदगी, लाइफ जो है वो कठिन इम्तहान लेती है बंदे का, तो किस तरह से पॉसिबल है कि इंसान जो है वो पक्का इरादा करे, किए रखे और उस इरादे पर मजबूती से कायम रहे। जॉर्किंस बताता है कि देखो, अगर कोई इंसान स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है सहारा का, ही वुड बी अ स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट इफ़ ही गिव ऑल हिज टाइम टू इट। अगर वो सहारा का चैम्पियन बनना चाहता है और उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैड नथिंग, ही वुड अरेंज द मनी, पैसा भी बना लेगा, टाइम भी अगर निकाल लेगा, यानी अगर वो पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने उस मकसद के ऊपर रखेगा, अपने उस एम्बिशन के ऊपर रखेगा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा जनरेट कर लेगा, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो टाइम जो है उसको भी मैनेज कर लेगा, लेकिन मकसद है कि उसका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है और कितनी मजबूती के साथ वो अपने उस डिटर्मिनेशन के ऊपर कायम है। टर्बर्ट कहता है कि अच्छा, आप ये बात तो बता रहे हो कि डिटर्मिनेशन से ऐसा सारा कुछ पॉसिबल है, क्या आपके पास कोई रियल लाइफ स्टोरी है बताने के लिए, आप हमें बता सकते हैं? फिर जॉर्किंस स्टार्ट करता है कि हाँ बिल्कुल, एक ऐसा शख्स जिसका नाम है गॉर्जियस, एक बिल्कुल रियल लाइफ केस है, डिस्कस करते हैं यहाँ पे जॉर्किंस हमारे साथ, कि उसकी एज 16 थी, वो 16 साल का था जब वो पहली दफ़ा, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ही वांटेड टू बिकम अ कोर्ट एक्रोबैट, वो दरबारी बाजीगर बनना चाहता था 16 की एज पे, वो एक अच्छा एथलीट था, और जो ही उसने सोचा कि वो दरबारी बाजीगर बनना चाहता है एट द एज ऑफ 16, 16 की उम्र में, अच्छा खिलाड़ी था होने के साथ, ये बात उसने शेयर की अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता हूँ, दरबार के अंदर, बादशाह के दरबार के अंदर बाजीगर चाहे वो उस पोस्ट पे हायर होना चाहता हूँ। उसके वालदैन ने साथ ही उसको मायूस किया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन काम है। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उसने अपने जानने वालों के साथ शेयर किया, लेकिन हर बंदा जो था उसके मकसद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा था, डाउट कर रहा था कि तुम अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, अगर हुए भी तो शायद बहुत अरसा लगेगा, फिर जाके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे।
लेकिन गॉर्जियस जो था वो अपनी इस बात के ऊपर कायम रहा और उसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, अपने जानने वालों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया और उसने वो शेयरिंग जो थी वो बढ़ाना शुरू कर दिया, उसका जो सर्कल था उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया और शेयर करना शुरू कर दिया कि देखो अगर दरबार के अंदर, बादशाह के दरबार के अंदर बाजीगर की असामी पैदा कर दी जाती है तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसको। अब उसकी तमाम तरह की जो बातें होती थी हर जगह पर जिसके साथ भी डिस्कशन होती, सारी डिस्कशन के साथ साथ उसकी डिस्कशन का ये हिस्सा लाजमी होता कि वो कोर्ट एक्रोबैट के बारे में बात करता। फाइनली आखिरकार उसने ऐसे ऐसा करते पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं अपने मकासद को पूरा करने के लिए, इसने भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, एक अच्छा ओरेटर भी था, इसने मुख्तलिफ जगहों पर जाके स्पीचेस करने शुरू कर दी, तकरीरें करने शुरू कर दी और स्पीच के अंदर अपना वो जो मकसद था कि वो कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता था उसको कभी नहीं भूला। ये नहीं पॉलिटिकल लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल लोगों के साथ बातचीत गुफ्तगुशनीद शुरू कर दी, लेकिन वो कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता था ये मकसद उसने कभी भी फरामोश नहीं किया, कभी भी भुलाया नहीं। उसने बड़ी उम्दा तकरीरें की, लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल लिहाज से भी पॉलिटिकल उसने जो ना वो भी एडवांटेज हासिल किया और उसके साथ ही उसने जो स्पीचेस की उनमें बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से अगर दरबार के अंदर एक बाजीगर की असामी पैदा कर दी जाए तो हमारे मुल्क का किस तरह से फ़ायदा है। जब क्वेश्चन किया गया कि अगर दरबार के अंदर असामी पैदा कर दी जाती है, फॉर एग्जांपल कि कोर्ट एक्रोबैट हायर कर लिया जाता तो उसका मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, उसने बोला देखेंगे जो कोर्ट एक्रोबैट जो एक्रोबैट होता है बाजीगर होते हैं वो किस तरह से मुकम्मल जिस्मानी सलाहियत का फिज़िकल फिटनेस का किस तरह से मुजाहरा करता है, अगर वो फिज़िकल फिटनेस का मुजाहरा करेगा कोर्ट के अंदर तो कोर्ट के अंदर मौजूद जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं जब वो देखेंगे उस मुजाहरे को तो वो देखेंगे कि किस तरह से एक्रोबैट जो वो मुकम्मल तौर पर फिज़िकली फिट है और फिटनेस का मुजाहरा कर रहा है, तो यही इसी तरह की कंडीशंस वो अप्लाई करेंगे आर्मी के ऊपर भी कि अपनी आर्मी को भी बोलेंगे कि इस तरह की फ़िज़िकल फिटनेस होनी चाहिए, इस लेवल की फ़िज़िकल फिटनेस होनी चाहिए। तो जब उसकी आर्मी के लोग जो हैं जो सोल्जियर्स हैं जब वो भी उस पर अमल दरामद करेंगे और वो भी जिस्मानी तौर पर फिट होना शुरू हो जाएंगे, फिज़िकल फिटनेस उनकी 100% हो जाएगी, तो किस तरह से वो हमारी जो बाउंड्री लाइन हमारे मुल्क की सरहदें हैं वहाँ पर कितने बेहतर तरीके से वो हमारा दिफा करेंगे, कितने बेहतर तरीके से वो डिफेंस करेंगे और जब वो बेहतरीन तरीके से दिफा करेंगे तो किस तरह से हमारे मुल्क जो है उसकी शान और शौकत में इजाफा हो जाएगा और हमारा मुल्क जो है वो किस तरह से सिक्योर हो जाएगा। यानी किस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए किस किस तरह से आर्गूमेंट, तमाम तरह के जो आर्गूमेंट्स है वो रिलेट हमेशा करता था अपने उस मकसद के साथ, कोर्ट एक्रोबैट के साथ। फाइनली स्पीचेस करता गया, फाइन वंस बहुत उम्दा उम्दा स्पीचेस भी की और लोग जितने थे और जो कोर्ट से मुतल्लिक रिलेटेड लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो आर्मी ऑफिसर्स थे, किस तरह ने उन लोगों ने भी इनकी बातों पे गौर किया और फाइनली वो दिन आ गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोर्ट एक्रोबैट की एक असामी एक पोस्ट होनी चाहिए। फाइनली पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया कि कोर्ट एक्रोबैट की असामी पैदा कर दी गई है। ये हमारे लेसन का पार्ट नंबर वन है। लेसन दो हिस्सों में तकसीम है। पार्ट वन के अंदर डिस्कस किया गया एफर्ट्स टू क्रिएट पोस्ट कि किस तरह से उसने स्पीचेस की, किस तरह से मायूसियों का भी सामना किया, उम्मीदें भी उसके दिल में थी और लोगों के साथ किस तरह से शेयरिंग करते 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 फाइनली पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है। और पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क कि किस तरह से अब इनॉग्रेशन सेरेमनी है, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया लेसन वो थी सारी उसकी कोशिशें, उसका वो प्लान जो उसने स्केच आउट किया हुआ था कि मैंने ये करना है। और उसके बाद पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे लेसन की इनॉग्रेशन सेरेमनी, फिर जब असामी पैदा करने की पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि असामी पोस्ट क्रिएट कर दी गई है बादशाह की तरफ से, बादशाह का जो रूम होता है जो थ्रोन रूम होता है एक दिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जिमनाजियम के अंदर और जितनी दीवारें होती हैं दीवारों के साइडों पे पर्दे लगा दिए जाते हैं खूबसूरत और उसके अलावा सीटों का अरेंज कर दिया जाता है। उस रूम के एक साइड पे बादशाह के बैठने के लिए जगह बना दी जाती है, साथ ही बादशाह के पीछे चेयर्स लगा दी जाती हैं जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो खड़े थे और बैठे हुए थे और दो साइडों पर जो है वो पब्लिक बैठी होती है और इफ्तिताही तकरीब देने देखने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। जो स्टेज होता है वो बिल्कुल रेडी होता है, स्टेज के ऊपर फ्लोर जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और उस पर जगह जगह पर हर्डल्स रुकावटें रखी होती हैं। ये असल में एक मॉडल था, एक सैम्पल था ये दिखाने के लिए कि ये बंदा जिसकी तकरीब रूनमाई आज की जा रही है और जिस पोस्ट की तकरीब रूनमाई की जा रही है और जिस बंदे की वजह से ये पोस्ट क्रिएट कर दी गई है वो बंदा एक बेहतरीन जिमनास्ट था और स्कूल के अंदर वो विन कर चुका था, ये हर्डल रुकावटों वाली दौड़ जीत चुका था, छत पर झूले लटक रहे होते हैं,
और खूबसूरत उनको जो रस्सी होती है उनके उनको गिल्ड किया होता है, उनको खूबसूरत तरीके से सजाया गया होता है, वो लटक रहे होते हैं और खूबसूरत लाइटें डिफरेंट कलर की जो है ना वहाँ पर रोशन होती हैं स्टेज के ऊपर। लोग और बशमूल बादशाह और उसकी जो मिनिस्टर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं। अचानक से स्टेज का बैक डोर जो वो खुलता है और उसमें रोशनियों का एक सैलाब नमूदार होता है, बहुत सारी रोशनियाँ निकलती हैं और उन रोशनियों के सैलाब के अंदर ही वो बूढ़ा आदमी ज़ाहिर होता है जिसने रेड कलर का वेलवेट का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और अपनी वो पूरी ज़िंदगी की मेहनत का रिवार्ड लेने के लिए अब पब्लिक के सामने मौजूद था। जो ही वो हॉल के अंदर एंटर होता है तो पब्लिक जब वो अप्लॉज कर दी उसके लिए तारीफ़ी तालियां बजाई जाती हैं, मिनिस्टर्स और जो वज़ीर है और जो बादशाह वो ख़ुद उसके लिए खड़े होते हैं और उसको रिसीव करते हैं स्टेज के ऊपर और उसके लिए क्लैप की जाती है। वो बूढ़ा आदमी चलता चलता स्टेज के वो जो रुकावटें होती हैं उनके पास आता है और एक नज़र उठा के वो झुको हुआ है, उसकी बॉडी बेंट हो चुकी है और जिस्म जब वो ढल चुका है उसका और बड़ा मेलनकोली उसका जिस्म बड़ा अफसुरदा नज़र आ रहा था। रेड कलर की यूनिफॉर्म, वही जो एक्रोबैट वाली यूनिफॉर्म रेडी कर दी गई थी, रेड कलर की टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म वो उसने पहना हुआ है और झुका हुआ है स्टिक के ऊपर और उसी तरह कांपते हुए वो चल रहा है, रुकावटों के पास पहुंचा, उसको हाथ से छूने की कोशिश की, जो ही हाथ लगाने की कोशिश की पब्लिक ने एक दफ़ा फिर से उसके लिए क्लैप किया, फिर वो वापस पलटा, छत के साथ जो झूले लटक रहे थे बड़ी मुश्किल से एक हाथ उठा के उसने झूले को इस तरह से टच करने की, लोएस्ट एंड ऑफ द स्विंग्स झूले का जो निचला सिरा था उसको पकड़ने की इस तरह छूने की कोशिश की, पब्लिक ने एक दफ़ा फिर उसके लिए अप्लॉज किया क्योंकि आज इस तकरीब रूनमाई के अंदर जिस पोस्ट की तकरीब रूनमाई हो रही थी इसके लिए पब्लिक जो वो एक्चुअल एक्टिविटीज़ उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लोग नहीं चाह रहे थे कि आज हमें ये बंदा कुछ करके दिखाए क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो वक्त के लिहाज से बेंट हो चुकी थी और वो बूढ़ा हो चुका था लेकिन अपने मकसद के अंदर कामयाब हो चुका था। वहाँ पर वो थोड़ी देर रुकते हैं झूले के पास, थोड़ी देर रुकता है रुकावटों के पास, तमाम लोग जहाँ वो उसके लिए अप्लॉज करते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसी तरह झुके हुए जिस्म के साथ वो बड़ी मुश्किल से सर उठा के आवाम की तरफ और वज़रा की तरफ बड़े क्वेश्चन वाले अंदाज के अंदर देखता है। राइटर ने यहाँ पर लाइन्स ऐड की हैं, जॉर्कन्स बताता है कि वो बड़े सवाली अंदाज में बादशाह की तरफ और वज़रा की तरफ देखता है, शायद वो अपनी आँखों से कोई सवाल करना चाहता हो, शायद वो ये पूछना चाहता हो कि मैं अपने मकसद में कामयाब तो हो गया हूँ लेकिन इस मकसद को पूरा करते करते बहुत ज़्यादा अरसा लग गया है और उसे इस पोस्ट तक, इस तकरीब रूनमाई तक पहुँचते पहुँचते इस बंदे को मोर देन 60 ईयर्स लग चुके थे, 60 साल से ज़्यादा की एज उसकी हो चुकी थी, मोर देन 60। जब ख्याल किया था कि मैंने बनना है, एज 16 थी और जब वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं, वो वाला काम कर चुके हैं अचीव जो लेवल वो चाहता था, तो एज मोर देन 60 हो चुकी है। अब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता लेकिन अपने मकसद के अंदर वो कामयाब हो चुका है। उसे वहाँ पर सीटों के साथ ही उसके लिए एक सीट मुक्त कर दी जाती है और उसे का हाथ पकड़ के उसको स्टेज से नीचे उतार के वहाँ पर बिठा दिया जाता है और ये स्टोरी सुनाते सुनाते जब स्टोरी का इख्तिताम होता है तो जो होता है राइटर जॉर्किन्स होता है वो स्टोरी सुनाते सुनाते एंड पर एक आह भरता है कि जैसे वो बताना चाहता हो, टर्बट को दिखाना चाहता हो कि लाइफ के अंदर एम्बिशंस पॉसिबल हैं, इंसान चाहे कुछ भी अचीव कर सकता है और शायद ये भी दिखाना चाहता था कि उसने भी ज़िंदगी में कुछ सोचा था, कुछ करने का कुछ प्लान थे उसके भी लाइफ में जिसको वो अचीव नहीं कर सका था। अगर वो उस पर कायम रहता, अगर वो उसको पूरा टाइम देता तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तो इसके साथ ही स्टोरी जब वो ख़त्म होती है और हम सब के लिए लेसन छोड़ जाती है जो हमने स्टार्ट पर डिस्कस किया कि डिटर्मिनेशन इज़ द वेकअप कॉल टू ह्यूमन विल। इंसान चाहे प्लान आउट करे, स्केच आउट करे और उसके बाद उस पर कायम रहे लंबे अरसे के लिए और लंबी मेहनत के साथ कायम रहे तो ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जॉर्किन ने ये स्टोरी डिस्कस की टर्बट के साथ, स्टोरी का नाम आपके साथ डिस्कस किया द रिवार्ड। अब बूढ़ा आदमी गॉर्जियस जो था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, अगर जो उसको लंबा अरसा लगा, अगर जो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी लेकिन एट द एंड वो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद के अंदर कामयाब हो चुका था। ये स्टोरी डिस्कस करते हैं और अब मूव करते हैं अब अपनी रीडिंग की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 1, यूनिट नंबर 6। अ टॉक एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमिनेशन। क्लब के अंदर एक दिन गुफ्तगु हो रही थी दो चीज़ों के ऊपर, पहले कौन से वाली, अपॉर्चुनिटी मौका एंड डिटरमिनेशन और इरादा, यानी मौका और इरादे के ऊपर गुफ्तगु हो रही थी। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, कुछ कह रहे थे कि मौका चाहिए होता है कामयाब होने के लिए, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को मौका ही नहीं मिलता। दैट ओनली द अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, और दूसरा ग्रुप कह रहा था कि मौका नहीं बल्कि क्या चीज़ चाहिए,
डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, इरादे की पुख्तगी चाहिए होती है। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन, फिर उस गुफ्तगू के अंदर एक तीसरा बंदा एंटर होता है, जॉर्कन्स, ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और वो भी आके फेवर देते हैं किसको, डिटर्मिनेशन को, कि हर चीज़ जो वो पॉसिबल है पुख्ता इरादे से। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनी थिंग, अगर इंसान इरादा पक्का कर ले कुछ भी लेने का एंड स्टक टू इट और कायम रहे अपनी इस बात पर लॉन्ग इनफ और काफ़ी अरसा कायम रहे, यानी देर तक, जब तक कि उसका वो मकसद हासिल नहीं हो सकता, ही गॉट इट सेट जॉर्कन, जॉर्कन ने बोला तो वो उसको हासिल कर लेता है। एनी थिंग आस्क टर्बर्ट, अब टर्बर्ट पूछ रहा है जो अपॉर्चुनिटी के हक में था, कि कुछ भी, एनी थिंग, जॉर्कन रिप्लाइड, जॉर्कन ने बोला कि हाँ कुछ भी, सो लॉन्ग एज ही स्टिक टू इट, कितनी देर वो अपने मकसद पर कायम रहता है, एंड स्टिक टू इट हार्ड एनफ, और कितनी मेहनत के साथ कायम रहता है, एंड लॉन्ग एनफ, और कितना लंबा अरसा कायम रहता है, एनी थिंग वट एवर, फिर वो जो भी चाहता है हासिल कर लेता है। टर्बर्ट डिसएग्री, टर्बर्ट ने इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया, और टर्बर्ट ने आर्ग्यू किया, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की मानिंद है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने बात जारी रखी, इन विद अ टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें लोग थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं एंड सिट डाउन और बैठ जाते हैं और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, या उसके उसको छोड़ के अपने मकसद को किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेनी शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, जो इंसान लगा रहता है, कीप्स ऑन, जो अपने मकसद पर कायम रहता है, विंस द रेस, वो रेस जीत जाता है, वो दौड़ जीत जाता है। एंड सपोज अ मैन वॉन्टेड टू बी अ स्कैंडिंग चैंपियन ऑफ सहारा, और फर्ज करें कि एक शख्स है वो सहारा का चैंपियन बनना चाहता है, वो सेड टर्बर्ट अर्बन ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहाँ पर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, ही वुड मेक द मनी, सेड जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, ही वुड मेक द मनी, वो पैसे बना लेगा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो सहारा के अंदर एक खेल का मैदान भी बना लेगा, एंड ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन देयर, और वहाँ पर वो मुकाबला भी मुनक्कद करवा लेगा, ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट इफ ही और रियली ऑल इज टाइम डेट, वो यकीनी तौर पर स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा अगर वो अपना सारा वक्त उसको दे, यानी हर टाइम अपने उस प्लान के ऊपर जो वो कायम रहे। Could you tell us a case like that? Said one of us, वहाँ पर बैठे हुए लोगों में से जॉर्कन से किसी ने कहा कि क्या आप हमें इससे मिलते जुलती को कहानी को स्टोरी सुना सकते हैं? As a matter of fact, I can, said जॉर्कन, जॉर्कन ने बोला बिल्कुल, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, I can, मैं आपको एक real life स्टोरी सुना सकता हूँ, वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल इससे मिलती जुलती कहानी, लेट्स हियर इट, सेड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने कहा कि चलें और सुनते हैं। देयर वॉज अ यंग फेलो, सेड जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा कि एक नौजवान था, टू होम इज प्रोबेबली पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग्स दैट वी हैव बीन सीइंग नाउ, उसके वालिदैन भी उस नौजवान को शायद वैसा ही कहते होंगे जैसा अब हम बात कर रहे हैं, यानी बात क्या कर रहे हैं कि मौका नहीं मिलेगा तो कामयाबी नहीं होगी, शायद जैसा उसके वालिदैन भी उसको यही बोलते होंगे कि आपके पास तो मौका ही नहीं है, एंड वेरी लाइकली ही एज मैनी यंग फेलोज डू मे हैव वॉन्टेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और शायद वो नौजवान भी उन बहुत सारे लोगों की तरह जो अपने मकसद पर कायम रहते हैं अपने वालदैन की इस बात को गलत साबित करना चाहता था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, बट वट एवर इज मोटिव वाज, उसका मकसद चाहे कुछ भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिशन, उसका मकसद बहुत गैर मामूली था, एंड स्टक टू इट, और उस पर कायम रहा, इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, और मकसद और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो दरबारी बाजीगर बनना चाहता था। वट सेड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने बोला क्या, यानी बाजीगर बनना चाहता था, एक्रोबैट, जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने बात जारी रखी और कहा कि हाँ बाजीगर, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव, उस मुल्क के दरबार का, उस मुल्क के बादशाह के दरबार का बाजीगर जिसमें वो रहता था, एंड वट कंट्री, काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, आस्क्ड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने बोला कि वो मुल्क किस तरह का था, यानी किस तरह का कंट्री था वो, नेवर माइंड वट कंट्री इज वार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क किस तरह का था, सेट जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली एज यू सपोज, वहाँ के रस्म और रवाज इतने जाहिलाना बेवकूफ़ाना नहीं थे जैसा तुम सोच रहे हो, यानी शायद तुम सोचते हो कि वो मुल्क एक आम सा मुल्क होगा जहाँ के रस्म और रवाज को इतने सख्त नहीं होंगे और बड़ी आसानी के साथ उसने वो ओहदा हासिल कर लिया होगा, वहाँ के रस्म और रवाज इतने आम नहीं थे जैसा तुम सोचते हो, दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, दरबार के अंदर बाजीगर की असामी भी कोई नहीं थी, एंड नेवर हैड हैड और ना ही कभी होना थी, बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज़ नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी, दैट वॉज हिज नेम, और ये उसका नाम था, ही वॉज अ गुड एथलीट वैन ही केम बाई दिस वाइल्ड आइडिया, जब उसके दिमाग में ये अजीब ख्याल आया तो उस वक्त वो एक एथलीट थे, एक अच्छा खिलाड़ी था, एट द अबाउट एज ऑफ 16, और उसकी एज भी उस वक्त उम्र भी 16 साल थी, एंड ही हैड वन हाई जंप एंड हर्डल्स एंड 100 यार्ड एट स्कूल,
और तीन तरह के मुकाबले भी वो जीत चुका था, मतलब कि अच्छा खिलाड़ी था। हाई जंप जीत चुका था, हर्डल्स रुकावटों वाली रेस जीत चुका था, 100 yard और 100 गज दौड़ वाली रेस जीत चुका था। वेल देर वॉज अपॉर्चुनिटी, टर्बन ने कहा कि हाँ फिर तो उसके लिए मौका था। इफ वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो अच्छा एथलीट था, अच्छा खिलाड़ी था, तो उसके लिए तो मौका था कामयाब होने का। बट वेट अ मोमेंट सेड जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा कि एक लम्हा रुको, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी पूरी जिंदगी अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते हो। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोज क्रिएटेड, और उसे तो अभी अपनी आसामी पैदा भी करवानी थी, यानी बनवानी थी, यानी सारी ज़िंदगी तो एथलीट नहीं रह सकते। अभी वो मेहनत कर रहा था, ना सिर्फ आसामी फिल करने के लिए बल्कि आसामी को बनवाने के लिए वो मेहनत कर रहा था। पार्ट वन इसका आज हमने डिस्कस किया, और पार्ट टू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपने इस स्टोरी की ओवरव्यू को भी अंडरस्टैंड किया, और उसके साथ जो रीडिंग हमने पार्ट वन इसका डिस्कस किया उसको भी अच्छे से समझ लिए। अब हम मूव करते हैं अपने पैरा वर्ड्स ग्रामर पोर्शन की तरफ। लास्ट टाइम जैसे बाकी सेक्शंस के अंदर आपने देखा, डेली हम 5 पैरा वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, उनके मॉडल सेंटेंसेस भी डिस्कस किए जाते हैं। एज इट इज़ आप इनको लर्न भी कर सकते हैं, या आप लोग इन वर्ड्स को सामने रखते हुए आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस द पैरा वर्ड्स फ्रॉम 16 to 20। आर्टफुल चलाक, कीप अवे फ्रॉम आर्टफुल पर्सन, चलाक लोगों से दूर रहिए। एंड आर्टिस्टिक, खूबसूरत, दिस इज़ एन आर्टिस्टिक पिक्चर, आई लाइक इट वेरी मच, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। सेकेंड पैरा वर्ड यहाँ पर जो है असेंड, चढ़ना, द पाथ असेंडेड द हिल, ये रास्ता जो है वो पहाड़ियों को चढ़ता है जाता है। डिसेंट नीचे उतरना, यानी बिल्कुल एंटोनिम वर्ड्स हैं, असेंड ऊपर जाना और डिसेंट नीचे उतरना। वे डिसेंडेड द हिल स्लोली, हम पहाड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। एंड नंबर 3, आउट कोई चीज़ या कुछ, डू यू हैव आउट टू ईट, क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, आउट चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, हमें अपने वालदैन की इज्जत करनी चाहिए। एंड नंबर 4, एक्सेप्ट, कबूल करना, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, इस तोहफे को कबूल कीजिए। एक्सेप्ट के अलावा एवरी वन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट शाहिद, शाहिद के अलावा हर बंदा पार्टी में आया। एंड नंबर 5 एंड द लास्ट पैरा वर्ड, आर्टिस्ट, फनकार, अली इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट इन पेंटिंग, अली पेंटिंग के अंदर बहुत बड़ा फनकार है। आर्टिस्ट पेशावर गोवैया, नूरजहां वाज अ फेमस ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट एंड आर्टिजन कारीगर, अ पोर्टर इज़ एन आर्टिजन, एक कुम्हार जो होता है वो एक कारीगर शख्स होता है। पैरा वर्ड्स भी हम साथ साथ मूव कर रहे हैं, क्लासेस के अंदर साथ साथ चल रहे हैं, इसको भी साथ लर्न करिएगा। पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।